मेरा फर्स्ट वीलॉग उस इंसान की शादी के ऊपर है जो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है, मेरा 8 साल पुराना दोस्त, मेरा भाई आसिम नज़ीर अवान। इतना शरीफों की तरह बैठा है, इतना शरीफ मेरा दोस्त पहले कभी नहीं लगा, कभी नहीं। तलब अदा किए जाएंगे आपने इस मारे मुसम्मा के साथ, फायदा खालिद बिन के खालिद महमूद को अपने निकाह में कबूल किया? कबूल किया, कबूल किया, अल्लाह हू अकबर। डांस प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा एक्साइटेड हमारा दूल्हा था। यार आप हर गाने में हो, आप दूल्हा हो। मुझे पैसे लगाए मैंने, आप करो यार। सो गाइस, जिस वक्त का सबको इंतजार था, आसिम की शादी शुरू हो चुकी है और मैं जा रहा हूँ आसिम की मेहंदी की तरफ। पहले उसके घर जाना है और बहुत लेट हो चुका हूँ। कॉल बहुत आ चुकी है आसिम की, बहुत सुनने को मिलेंगी। सो मैं अब आपको मिलता हूँ आसिम की तरफ। अच्छा, आप अब मुझे देख रहे होंगे नोमी की गाड़ी में। मैं आया बड़े अरमान लेके था अपनी गाड़ी में, बट वो यहाँ पे ख़राब हो गई, उसका सेल्फ ख़राब हो गया। तो मैं जा रहा हूँ ईशान और मम्मी के साथ। आसिम भाई बार बार क्या से डायरेक्ट, तो आप मिलते हैं आसिम की मेहंदी में। और यहाँ दुल्हा साहब डांस के लिए वार्म अप होते हुए। देखिए, जब आपके पास गाड़ी ना हो ना, तो आपका कोई ठिकाना नहीं होता कौन लेके जाएगा आपको, कौन लेके वापस जाएगा। आया मैं नोमी और ईशान के साथ था, जा मैं जैन भाई के साथ रहूँ, और अभी देखें गाड़ी को घर लेके जाना है, कैसे लेके जाता हूँ। बाय द वे, आसिम भाई की मेहंदी ख़त्म हो गई, कैसी रही? यार मेहंदी बहुत ज़बरदस्त रही, लेकिन बारिश ने थोड़ा सा गेम ऑफ कर दिया। लेकिन जैन भाई ये बताएं, मेरा आसिम का इन सब का डांस करता है? क्लासेस ले लो। तो अब इंशाल्लाह आपको साथ रखेंगे और शादी में मुलाकात होती है। सो गाइस, फाइनली दिन आ गया है आसिम की शादी का, और मैं आसिम की शादी की तरफ जा रहा हूँ। पहले आसिम के घर जाऊँगा, वहाँ सेहराबंदी होगी, तो आपको सीन्स दिखाते रहेंगे, साथ रहिए। चैन से नहीं रहा जाएगा इससे। ये देखें, नाचने के लिए हर वक्त रेडी, ये देखें। आसिम, माशाल्लाह आज शादी का दिन आ गया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ओह माय गॉड, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल अच्छा लग रहा है। नाइस, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अपनी शादी पर अच्छा लगा क्या तेरे को? कहाँ देख रहे थे? नोमी एंड जी, और तीसरा का है कैमरामैन। हां भैया, कैमरामैन इसको साथ इसलिए ले लिया है ताकि ये अच्छी अच्छी हमारी फोटोज ले। दूल्हे से ज्यादा नहीं चाहिए, दूल्हे से ज्यादा फोटो संभाली होनी चाहिए। कराची में लोग अपनों के साथ वेया बना रहे। आसिम की शादी में हम पहुंच चुके हैं बैंक्वेट में, और आसिम की गाड़ी आप देख सकते हैं वो खड़ी थी, तो साथ रहिएगा, आगे बहुत कुछ आ रहा है। अरे ये कौन है? मानी इन द हाउस।
आसिम यहाँ सवाल मैं दोबारा पूछता हूँ, शादी हो रही है माशाल्लाह, कैसा लग रहा है? तो ना बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बोला गया कि मैं ज़्यादा बोलूँ नहीं। हाँ। मुझे बड़े भाइयों ने, दोस्तों ने बड़े मुश्किल से कंट्रोल करके रखा है। और फिर बस चल रहा ना, डांस कर रहे थे, सही हो जाए। मुझे बड़ी मुश्किल से अपने आप को यकीन दिलाना पड़ा कि आसिम अब मेरा नहीं रहा। अच्छा दोस्त था हमारा, आज रुखसती है उसका। यार बहुत अच्छा इंसान हुआ करता था। अब वो हमें से नहीं है। कभी कभी मुलाकात हो जाती थी पहले, अब वो भी मुश्किल। गली दे दो। यार बंदा अच्छा है मगर है बड़ा गया गया, आज से गया। सबसे ज़्यादा आपने ही डांस किया था। अब तो क्या करें, मजबूरी थी हमारी। राजू बन गए जेंटलमैन। और ये देखें वीलॉग के बानी मेरे गुरु, वीलॉग के बानी मिस्टर मानी, मिस्टर मानी मेरे गुरु। मेरा ये पहला व्लॉग है मानी भाई, कुछ मुझे बता दे। आई लव यू कि आप ये व्लॉग बना रहे हैं, ऑल द बेस्ट। और आपका भाई अपने चैनल पर शेयर करेंगे ये चीज। थैंक यू, मुझे अभी भेज। सर आप कुछ और बोलने वाले थे, अभी आप भेजो मुझे। अच्छे लोग जो होते हैं ना, उनकी शादी जल्दी हो जाती है, हमारी नहीं होके देरी है। आसिम तू बहुत अच्छा है रे, बहुत अच्छा। वैसे एक बात बताऊं, आसिम इतना शरीफ है, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि सबसे पहले आसिम की शादी होगी। हमने सोचा था कि यार मानी की हो जाएगी, दानियाल की हो जाएगी, लेकिन आसिम की शादी। सही है भाई, सही खेल गया आसिम। शादी शादी शादी, आसिम की शादी, आसिम की शादी भी ख़त्म हुई। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं और हर बार की तरह मेरा न्यू ड्राइवर पहले नोमी था, ये हुआ, फिर कल जहन था 3 दिन पहले दिल्ली में। तो अभी हम घर जा रहे हैं और आतिशबाजी का सामान रेडी है। हाँ बिल्कुल रेडी है, इंशाल्लाह घर जाके। अच्छा हर गाड़ी में एक बंदा कंसिस्टेंट होता है, निशान। सो मैं हमेशा की हर इवेंट की तरह इस इवेंट में भी लेट हो गया हूँ, और इसका ज़िम्मेदार किए इलेक्ट्रिक वाले हैं। मेरे ही घर की लाइट गई हुई थी और किसी की नहीं गई हुई थी। वापस पहुँचते हैं वलीमे में और दिखाते हैं वहाँ के मंजर आपको। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ वलीमे में। सॉरी आसिम लेट हो गया है, सॉरी भाभी। आया क्यों भाई? ओके इलेक्ट्रिक जाओ। एक साथ और याद रहेगा हमेशा कि आसिम चाहे जो है वो यूट्यूब पे आ रहा हो, या वो हमारे एमयून के सारे काम कर रहा हो, या उसकी एमयून की वो तस्वीर जिसके एक्सप्रेशन अभी भी देख के जो ना हंसी आती है, वो वलीमे में भी ऐसे ही था। अल्लाह करे तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो और तुम्हें अल्लाह हमेशा तरक्की करे। क्यों देख आसिम मेरे भाई, तुझसे मैंने ना जाने जिंदगी में कितने वादे किए हैं, वो मैं पूरे करूँ ना करूँ, एक वादा मैं पूरा करूँगा। मेरे लैपटॉप में जो GTA 5 डाला था तूने, मैं पूरा कंप्लीट करके तुझे स्क्रीनशॉट भेजूंगा, ये मेरा वादा है, बचा रहे। क्यों भाई आसिम भाई के लिए क्या बोले, जितने भी बोलेंगे हम उनके अल्फाज जो है कम है। बहुत अच्छा एक्टर है, हमारे साथ काम किया, बहुत सारी वीडियोस में काम किया, इवन पप्पा में भी जो है हमारे काम किया, आने वाली इंशाल्लाह सीरीज वो भी देखिएगा। थैंक यू। एंड क्यों भाई जुनेद अकरम एक बात कहता है, जब तक पहला स्कूल नहीं जाएगा दूसरा नहीं आएगा, तो ये आसिम के लिए मछुआरा है। एंड क्यों आसिम बहुत मुबारक हो, और इंशाल्लाह आप भी अपने घर बुलाए चाय पीने के लिए। सही है, चाय पीएंगे, चीनी जरूर डालिएगा उसमें। क्यों बहुत क्यों
आसिम बेस्ट ऑफ लक, शादी बहुत मुश्किल काम होता है और कोशिश करना कि इस मिशन में तुम कामयाब रहो एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग माशाल्लाह मतलब बहुत प्यारा लगा था इवेंट में खुश रहो एंड स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड लव यू गाइस ठीक है ना बट मैं बड़ा खुश हूँ लेकिन उम्मीद करता हूँ कि तू इसको अच्छे से निभाएगा ठीक है ना मेरी दुआएं तेरे साथ हैं आसिम फ़ायदा हमेशा खुश रहो मेरे लिए एक मेरे सगे भाई की शादी थी एक तरह से जिसमें मैं ऑफिस में लेट भी हुआ मैंने डांस भी किया मैं लेट घर भी पहुंचा और बहुत मज़ा आया शादी में और यहाँ मैं अपना फर्स्ट वीलॉग एंड करता हूँ आगे इंशाल्लाह वीलॉग्स आते रहेंगे बट ये शादी एक तरह से एक ब्लास्ट थी बहुत मज़ा आया उम्मीद करता हूँ मेरा फर्स्ट वीलॉग आप लोगों को पसंद आया होगा मिस्टेक्स के लिए माजरत आगे के वीलॉग्स को फॉलो करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें थैंक यू